नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट। आप देखिए यहां पर आपको ये डेप्थ दिया है। डेप्थ को ऐसे डिनोट करें और यहां पर ये जाएगा 3 मीटर। वेथ ऑफ रिवर इसको आप बी से करें और यहां पर ये है 40 मीटर। अब जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है ये इसकी लेंथ बनेगी। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए 1000 और आवर, 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट की में लेंथ, 1 मिनट में रिवर का कुछ वाटर यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक वाटर जो जाएगा वो 1 मिनट में लेंथ बनाएगा। तो यहाँ पर आपने 0 0 से कैंसिल कर दिया और 200/6 इज इक्वल 200/3, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 100, ये हो गया लेंथ। ये क्या बन गया इसकी लेंथ। स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू लेंथ बनेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सो वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ अब आपको पता हो गया ना कि 100/3 है और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 40 और हाइट 3 मीटर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए और 100 × 40 m³ इज इक्वल टू 4000 m³। समझ गए क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आपको पता है ना कि रिवर की डेप्थ दी है, आपने डेप्थ लिख दिया, आपको विड्थ पता, आपने विड्थ लिख दिया, आपको ये पता नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर जो 1 आवर में रिवर फ्लो करेगी, 1 आवर में रिवर जो फ्लो करेगी वो उसकी लेंथ बनेगी, लेकिन यहाँ बात मिनट की थी, तो 1 मिनट में जो रिवर फ्लो करेगी वो उसकी लेंथ बन जाएगी। तो 1 मिनट में जानने के लिए 2 किलोमीटर को पहले तो मीटर बदलो क्योंकि ये सब मीटर में है, और 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। आपने 100/3 लिख दिया। वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट, एल इन टू बी इन टू एच, 100/3 दिस इज लेंथ एंड 40 इज विड्थ एंड 3 3 इज कैंसिल बाय 3 एंड 100 × 40 इज इक्वल टू 4000 m³। द वाटर विल फॉल into the sea is 4000 m³। Please subscribe my channel.